हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कढ़ी पकौड़ा। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे बेसन और हमें चाहिए लस्सी, खट्टी लस्सी। इससे कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। अब थोड़ी थोड़ी लस्सी को हम डालते जाएंगे और इस तरह विस्कर की मदद से हिलाते जाएंगे ताकि जो बेसन है उसमें गांठे ना पड़ जाए। देखिए, एक मिनट तक हम अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, आधा चम्मच नमक, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और गरम मसाला। आप चाहे तो इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हो। और फिर से इसको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से ताकि मसाले डालने के बाद भी गांठे ना पड़ जाए। एक दिन के लिए अच्छे से फेंट लेंगे और इसको कर देंगे साइड। उसके बाद तड़के के लिए हम एक पैन लेंगे, गैस को करेंगे ऑन। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। मैं एक कड़छी तेल ले रही हूँ और इसको पैन में डाल देंगे और गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए हमें चाहिए कुछ खड़े मसाले जैसे कि जीरा, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्ची, हींग और साबुत मेथा। इसको इसके अंदर डालेंगे, जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा डाल देंगे और इसको एक मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद एक साइड पर हम लहसुन की 3-4 कलियां लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम, आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी कर सकते हो पर मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है लहसुन को। लहसुन डालने से कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरह से डालेंगे, एक मिनट तक इसको भी हम मिला लेंगे। अब हमें चाहिए प्याज। मैंने एक प्याज को लंबा लंबा काट लिया है और इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से हिलाएंगे और 3-4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारा प्याज ऑलमोस्ट पक गया है। अब हम जो बेसन तैयार किया था, घोल तैयार किया था, उसको लेंगे और इसको पैन में ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से। पर ध्यान रखिएगा, जब हम इसको डालते हैं ना तो देखिए कितना गाढ़ा हो जाता है, बेसन डालते ही गाढ़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा और पानी लेंगे और साथ में ही डाल देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो जो कढ़ी है वो अच्छी नहीं बनेगी और उसमें एकदम लम्स और उसके अंदर लम्स रह जाएंगे। देखिए इस तरह से हम कढ़ी को अच्छे से मिला लेंगे और इसको चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल ना जाए। देखिए कढ़ी को पकते पकते 5-10 मिनट हो गए हैं और देखिए कितनी अच्छे से इसका कलर आ गया है येलो और गाढ़ी होना भी स्टार्ट हो गई है इस तरह से। जब ये इतनी गाढ़ी हो जाएगी तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। जितनी पसली आपको करनी है उतना पानी डालिए, ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको कितनी पतली रखनी है और कितनी गाढ़ी रखनी है। पर इसको थोड़ा सा एक बार हम पतला करते हैं क्योंकि बाद में इसको पकते पकते गाढ़ी अपने आप हो जाएगी। देखिए इसमें कितने अच्छे से एक उबाल आ गया है। अब इसके बाद हम गैस के फ्लेम को कर देंगे स्लो पे और इसको 25-30 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसको 25-30 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर। तब तक के लिए हम कढ़ी में डालने के लिए पकौड़े बना लेंगे, जिसके लिए मैंने एक प्याज और एक आलू लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ बेसन। अब थोड़ा थोड़ा सा बेसन डालते रहिए जितना आपको पकौड़े बनाने के लिए चाहिए। इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और हल्दी। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 चम्मच दही। हाँ, दही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसको डालने से हमारे जो पकौड़े हैं एकदम सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनते। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे जितना हमें चाहिए।
पानी को डालते हुए हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमारा बिल्कुल बैटर रेडी हो गया है। अब देखिए तेल पूरा गर्म है, अब इसके अंदर हम पकौड़े डाल देंगे। इस तरह से इसके अंदर हम पकौड़े डाल देंगे। अब एक साइड से हमारे पकौड़े बन गए हैं, हम इसको लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से कुक करेंगे। देखिए जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो, हमारे पकौड़े ब्राउन कलर के हो गए हैं और बनके बिल्कुल रेडी हैं। देखिए देखने में ही कितने अच्छे और क्रिस्पी लग रहे हैं, है ना। अब इनको ट्रांसफर करेंगे हम प्लेट में। हमारे पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब चलिए चेक करते हैं कढ़ी। देखिए हमारी कढ़ी पक के 25 से 30 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कसूरी मेथी। इस तरह से हाथ से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी कढ़ी में डालने से कढ़ी का फ्लेवर बहुत इनहांस हो जाता है। तो ये मस्ट है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद इसको मिलाएंगे और 5 मिनट तक और पकने देंगे। पांच मिनट हो गए हमारी कढ़ी को पकते हुए। अब जो पकौड़े हमने बनाए थे वो हमने कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे। देखिए देखने में कितनी स्वाद लग रही है ना ये कढ़ी, मैं एकदम देखते ही मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि कढ़ी तो मेरी एकदम फेवरेट है। तो बस हमारा कढ़ी पकौड़ा बनके बिल्कुल रेडी है। ये पंजाबी स्टाइल कढ़ी है, पंजाब में कढ़ी इस तरह से बनती है। तो इसको बनाइए फटाफट से, चावल के साथ खाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, ऊपर से आप चाहे तो तड़का भी डाल सकते हो इसके अंदर, विच इज टोटली ऑप्शनल। अब तो हमारा कढ़ी पकौड़ा बनके बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को घर पे बनाओ और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।